मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की बीजेपी से अदावत भला कौन नहीं जानता, लेकिन क्या इस दुश्मनी की धूल धुल जाएगी? क्या जेल में बंद मुख्तार अंसारी का बेटा ही उनके दुश्मनों का साथ देगा? ये सवाल आज सबसे बड़ा है और इस सवाल की सुगबुगाहट शुरू हुई राजभर से। जी, राजभर ने ऐलान कर दिया है कि उनके 6 के 6 विधायक राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। ऐसे में सवाल उठा कि क्या मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी? तो राजभर ने इसका जो जवाब दिया वो सुनिए। आपके जो विधायक हैं 6 में से, उसमें से एक मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे भी हैं, उनसे भी बात हुई है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे? देखिए, हमारी बात उनसे कम से कम 4 बार हो भी, कल भी हमारी उनकी बात हुई है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा हूँ, इस बात को माननीय गृह मंत्री जी के भी सामने रखा हूँ। ऐसा नहीं है, हम कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ करके उठाते हैं। उन्होंने भी वोट देने की पेशकश की है कि हम साथ हैं, हम साथ चलेंगे। दरअसल अब्बास अंसारी राजभर की सुभाषपा से विधायक हैं। मऊ विधानसभा सीट पर अब्बास अंसारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन के उम्मीदवार थे और जीते भी थे। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधायक हुए, लेकिन जिस तरह से खुद अब्बास अंसारी और उनके पूरे परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा है, जिस तरह से पूरे चुनाव भर मुख्तार अंसारी पर बार बार बीजेपी के नेताओं ने निशाने पर लिया, क्या वाकई अब्बास अंसारी इस सब के बाद भी बीजेपी को राष्ट्रपति चुनाव में मदद करेंगे? ये सवाल बड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। अब अब्बास के मुर्मू को वोट करने की 2 बड़ी वजह समझिए। पहला, राजभर से उनके परिवार के रिश्ते। मौजूदा सियासी हालात में राजभर और अंसारी पूर्वांचल में एक दूसरे के पूरक हैं। लगातार राजभर अब्बास अंसारी को इस बात के लिए मनाते रहे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। आपके जो विधायक हैं 6 में से, उसमें से एक मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे भी हैं, उनसे भी बात हुई है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे? देखिए, हमारी बात उनसे कम से कम 4 बार हो भी, कल भी हमारी उनकी बात हुई है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा हूँ, इस बात को माननीय गृह मंत्री जी के भी सामने रखा हूँ। ऐसा नहीं है, हम कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ करके उठाते हैं। उन्होंने भी वोट देने की पेशकश की है कि हम साथ हैं, हम साथ चलेंगे। वही ईडी जैसी जांच एजेंसियों का खौफ तो अच्छे अच्छों को बैकफुट पर ढकेल देता है। खैर, अभी इंतजार है खुद अब्बास अंसारी के बयान का कि वो क्या कहते हैं। वैसे आपकी क्या राय है, अब्बास बीजेपी के साथ जाएंगे क्या या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।